Ambika. I hope you're enjoying the party. Yes, I am. लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपको इस पार्टी में इतना मजा नहीं आ रहा. Why? ऐसा क्यों लग रहा तुम्हें? मेरी पार्टी है, of course I'm enjoying. नहीं, कुछ देर पहले जो आपकी हालत थी उससे मुझे लगा कि शायद आप बहुत डिस्टर्ब हैं. मेरा मतलब जिस तरीके से आप बेडरूम से मेरी तरफ आई और फिर से वही देविका देविका कहने लगी, मुझे लगा कि देविका का भूत आपके सर पे फिर से सवार हो गया है. बट थैंक गॉड कि आप ठीक हैं. या एनीवे, अब क्या हम इस तरफ बैठकर बात कर सकते हैं? क्यों, आपको कुछ जरूरी बात करनी है मुझसे? हाँ, ऐसा ही समझ. चल गए. ओके. दिस एक्चुअली अंबिका, मुझे तुमसे कुछ पूछना था. जो पूछिए ना. हाँ, लेकिन अगर आप अपना वही पुराना सवाल फिर से पूछने वाली है कि मैं देविका हूँ या नहीं, तो प्लीज मैं उस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी. ये देविका अंबिका का कंफ्यूजन क्या बस और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे. डोंट वरी, मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं पूछूंगी. एक्चुअली मेरा जो सवाल है ना, वो रवि को लेकर है. रवि को लेकर? आई मीन आई जस्ट वॉन्ट अ जनरल ओपिनियन. तुम रवि के बारे में क्या सोचती हो? आई मीन डू यू थिंक वो मेरे लायक है? ये कैसा सवाल है और आप ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं? इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले जब तुम दोनों डांस कर रहे थे तो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे. अच्छा, तो आप उस डांस के बारे में बात कर रही हैं. देखिए, ये पार्टी आपने रखी है, वो आपका मंगेतर है, और सामने से आकर उसने मुझसे कहा कि क्या मैं उसके साथ डांस करूँगी, तो मैं मना नहीं कर पाई. वरना काफ़ी रूड लगता ना, इसीलिए सोचा कि डांस कर लेती. लेकिन जिस तरीके से वो मेरे करीब आ रहा था, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा. आपने देखा होगा मैं कैसे डांस छोड़कर बीच में ही चली गई. वैसे मिस रूथ्रा, मुझे लगता है कि आपको अपने मंगेतर को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए. आई मीन जिस तरीके का नेचर है उसका, अपनी पहली बीवी को भूलने में उसे ज़रा भी वक्त नहीं लगा. आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गए. क्या पता कल को किसी और के लिए आपको छोड़ दें. और वैसे भी अभी तक मिस्टर गरेवाल को मैं जितना जान पाई हूँ, दो बातें तो साफ हैं. पहली ये कि वो बहुत बड़े फ्लर्ट हैं. लड़कियों से बात करना, उन्हें इम्प्रेस करना काफ़ी पसंद है. और दूसरी बात ये कि मिस्टर गरेवाल अच्छे से जानते हैं कि लड़कियों को पटाकर उन्हें अपनी ज़िंदगी से हटाना कैसे है. और वैसे एक और बात भी है, आपके मंगेतर डांस बहुत बुरा करते हैं. Actually agree with that. क्या हुआ? ऐसी क्या बात चल रही है जो आप इतना हंस रही हैं? मुझे बताइए, मैं भी थोड़ा हंस लेता हूँ. मिस्टर गरेवाल, हम एक्चुअली आपके बारे में ही बात कर रहे थे. मिस लूथ्रा जानना चाहती थी कि मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ. वही बता रही थी उन्हें. फिर तो मुझे भी जानना है कि ऐसी कौन सी फनी बात है मेरे बारे में. अरे जाने दो ना रवि, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी. एंड बाय द वे, मिस्टर सूद वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं तब से. बिजनेस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे रवि. उस तरफ बैठे हैं, उन्होंने कहा तुम उनसे जल्दी मिल लो बिकॉज ही हैज टू लीव. पता नहीं उस सूरज ने शैंडेलियर गिराने का इंतजाम किया है या नहीं. मैंने उसे कहा था कि अंबिका को लेकर झूमर के नीचे किसी भी तरह से आ जाऊंगी. मैंने तो अपना काम कर दिया, अब बस वो अपना काम करते टाइम पर. आई एम सो स्ट्यूपिड, यू नो. मैंने उसे तो मिस्टर सूद के पास भेज दिया, लेकिन आई फॉरगॉट कि हम दोनों को उनके साथ मीटिंग करनी थी. यू माइंड मैं उनसे मीटिंग करके वापस आती हूँ? नॉट एट ऑल. डोंट लीव. ओके, मेरी बातें अभी ख़त्म नहीं हुई.
क्या कर रहा है यार तू? हाँ क्या है ये सब? तुझे पता है ना कि जब भी तू ये पीता है ये शराब तेरे दिमाग पर चढ़ जाती है, तेरा खुद पर काबू नहीं रहता, तू होश में नहीं रहता। पर क्या ये बार बार पैक पे पैक बनाई जा रहा है? अरे नहीं है, सही है, गलत है ये सब। तो क्या करूँ? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल और दिमाग हमेशा नशे में धुत रहे। भैया मैं जानता हूँ कि वो अंबिका रायचंद है, पर वो मेरी कभी नहीं हो सकती। पर वो भैया मेरी देविका भी नहीं है, मुझे ये भी मालूम है। लेकिन भैया मैं क्या करूँ, वो जब भी मेरे सामने आती है मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मेरा दिल करता है कि मैं उसके आस पास रहूँ, उसके करीब जाऊँ, मैं अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाता। भैया जिस तरह से वो मेरी तरफ देखती है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी देविका मुझे देख रही है। भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान। इसी बात का डर था मुझे यार, तू अब भी अंबिका और देविका का जोड़ मिला रहा है अपने दिमाग में। तू अब भी अंबिका को देविका समझ रहा है, ऐसा करके तुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बल्कि ऐसा अगर तू करेगा तो तू खुद को चोट पहुंचाएगा, अपने दिल को चोट पहुंचाएगा। मान जा मेरे भाई, मत कर ऐसा। अरे कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में, अपने दिल पर काबू रखना सीख मेरे भाई। कोशिश तो कर और इस सच्चाई को कबूल कर कि वो अंबिका है, देविका नहीं है। उसकी अपनी अलग एक जिंदगी है जिसका तेरी जिंदगी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कोशिश कर यार, अपने आप को संभाल, उससे तेरी हालत देखी नहीं जाती। छोड़ दे ये सब। देर तक अंबिका बैठी रहेगी वहां पर? We don't have time, we don't have time. जल्दी करो सूरज, जल्दी। पार्टी में क्या कर रहे? What an idiot. कॉरिडोर में होना चाहिए था इसे। इतनी मुश्किल से वहां अंबिका को बिठा कर रखा हुआ है और ये अभी तक यहीं पर है। मेरा मतलब है कि किसी का इंतजार कर रही हैं? नहीं नहीं, ऐसे तो क्या फिर से आप एक बार डांस करेंगे मेरे साथ? बिल्कुल नहीं, आप जाइए मिस लूथरा के साथ डांस कीजिए। एक्सक्यूज मी, क्यों आपको डांस करना अच्छा नहीं लगा मेरे साथ? शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर गरीबान, अभी थोड़ी देर पहले डांस को बीच में ही छोड़कर मैं चली गई थी। इससे बेटर और क्या तरीका हो सकता है आपके इस सवाल का जवाब देने का? वैसे मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आज आपकी इस पार्टी में कोई स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाली है क्या? कैसी अनाउंसमेंट? नहीं, मुझे लगा कि आज इस पार्टी में शायद आप और मिस लूथरा अपनी एंगेजमेंट या शादी अनाउंस करते हैं। क्या हुआ मिस्टर गरेवाल, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? नहीं, एक्चुअली मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है। जी? क्या आप मुझे और मिस लूथरा को शादी या एंगेजमेंट करते हुए देख सकती हैं? क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? वैसे आपका चेहरा बता रहा है मुझे कि आप नहीं चाहते कि मेरी और मिस लूथरा की एंगेजमेंट या शादी हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मिस्टर गरेवाल, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपकी लाइफ है, आप उनसे एंगेजमेंट कीजिए या किसी और से एंगेजमेंट कीजिए, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। एनीवे, मैं तो बस ये इमेजिन कर रही थी कि आप दोनों की जोड़ी कैसी लगेगी। जिस तरीके से वो आपके घर वालों को अपने इशारों पर नचाती रहती हैं, शादी के बाद आप भी उनके ऐसे गुलाम बन जाएंगे, उनके इशारों पर नाचेंगे। बस यही सब सोच रही थी। चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे आपसे बात करनी है।
आपको मुझसे जो बात करनी है आप इधर कर सकते हैं। वो बात मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर गरीबाल आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मेरा हाथ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तुम्हें कॉरिडोर में होना चाहिए ना वो शैंडेलियर फिक्स करने के लिए। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैंने अंबिका को वहाँ बैठा कर रखा है। तुम्हें क्या लगता है वो सारा वक्त वहीं बैठी रहेगी? हाँ तो मैं गया था, लेकिन मुझे लगता है कि आपके वो घर वाले हैं ना, वो सब आज मेरा काम बिगाड़ने पे तुले। सारी चैटिंग कर ली थी मैंने कि मैं इसी काट ही दूँ, लेकिन अचानक वो बंदा वहाँ पहुँच गया। कौन? वही जो रवि को रोक रहा था मुझे मारने से। विकास? हाँ वो जो भी नाम है उसका। उसने मुझे वहाँ देख लिया और जब उसे शक हुआ तो वो वहाँ देखने आ रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वो तो आखिरी वक्त पर मैं छुप गया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका, इधर उधर देख रहा था मुझे। अब उसे शक हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि वो उस जगह पे नजर भी रखे, इसलिए मैं अब वो रस्सी नहीं काट पाऊंगा। What? What do you mean, तुम रस्सी नहीं काट पाओगे? You don't have a choice. ये कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें जो काम दिया है वो तुम्हें करना पड़ेगा। Do you understand? ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास, जाओ अभी जाकर वो रस्सी काट दो। ठीक है, मैं उस रस्सी को चाकू से नहीं काटूंगा क्योंकि विकास वहां पर होगा, इसलिए मैं आग का इंतजाम करता हूँ। ये काम आसान भी रहेगा और हो भी जाएगा फटाफट। आप बस एक बात का ध्यान रखना कि अंबिका वहां से हिले। हाँ हाँ वो सब मैं संभालूंगी, और तुम जाओ अभी, राइट नाउ। ठीक है। अभी तो वहीं बैठी थी, कहाँ गई? मिस्टर गरीबाल ये क्या कर रहे, छोड़िए मैं। मिस्टर गरीबाल आप ये क्या कर रहे, छोड़िए। ये क्या बदतमीजी है, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द मालूम है क्या होता है, जानती हूँ तकलीफ क्या होती है। मैं जानता हूँ कि तकलीफ क्या होती है। हर रोज हर पल मैं दर्द और तकलीफ से गुजर रहा हूँ। मालूम है क्या, तुम्हारी वजह से। और तुमसे बात करनी है मुझे, आज मैं बात ये बिना यहां से नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे जाने। आज नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी अभी और इसी वक्त। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। ये सवाल हर रोज मेरे सीने में चुभता है, बहुत सारा परेशान करता है। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, बताओ क्या हुआ, चुप क्यों? सवाल का जवाब दो ना। तुम्हें पता है जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई सब कुछ भूल चुका हूं, सब कुछ। हर पल हर रोज सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता, सिर्फ तुम्हारे बारे में। ना काम करने में दिल लगता है, ना खाना खाने का मन करता है, ना नींद आती, ना चैन, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूं। तुम्हें बताना हुआ कि तुम मेरे लिए क्या फील करते। मुझे पता है तरीका सही नहीं है, लेकिन जिस दर्द से जिस तकलीफ से मैं गुजरा था उस तकलीफ को मुझे दूर करने, वो भी आज और अभी। मुझे लगता है आपने बहुत पी रखी है, आप मुझे जाने दीजिए यहाँ से। मुझे मैंने बहुत पी रखी, लेकिन अच्छा है कि मैं आज होश में नहीं, और कम से कम अपने दिल की बात तुमसे मैं कह सकता हूँ। कम से कम आज मुझे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत दो। और आज मुझे पूछना है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। प्लीज मुझे बता दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। प्लीज मुझे बता दो, प्लीज। मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, पागलों की तरह तुम्हें चाहता हूँ। मैं अपनी देविका को खो चुका हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं तुम जिस तरह मेरी तरफ देखती हो, जिस तरह मुझे मुझे देखकर मुस्कुराती हो, मुझे मेरी देविका की याद आती। बिल्कुल वैसे ही फील होता है जैसे मैं देविका के साथ फील करता था। मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे बताओ वरना मैं पागल हो जाऊंगा, प्लीज मुझे बताओ। देखिए मिस्टर गरीबाल, मुझे लगता है कि आप पागल हो गए हैं। कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं, आप खुद भी नहीं जानते आप क्या कह रहे हैं। मैं आपको क्या सलूशन दूंगी, मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? ये सब बातें जो आप मुझसे कह रहे हैं ना, ये आपको मुझसे नहीं, मिस लूथरा से कहनी चाहिए। उनसे ही शादी कर रहे हैं ना। देखिए मुझे ऐसे जाने दीजिए, और अगर आप जानना चाहते मैं आपके लिए क्या फील करती हूँ, मैं कुछ फील नहीं करती, कुछ भी नहीं।
मेरी आंखों में आंखें डाल कर बोलो कि तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करती। कुछ भी नहीं करती। मेरी आंखों में आंखें डाल कर बोलो ये मुझे इस सवाल का जवाब दो कि तुम्हारे मन में वो सब कुछ भी नहीं है जो जो मेरे मन में। आंखों में आंखें मुझे सवाल का जवाब तुम्हें मुझसे प्यार है। जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तुम्हें कुछ नहीं होता। कि जब मैं तुम्हें हूं क्या करी? ये तो हॉल में थी ना। अंबिका, अंबिका ये कहाँ चले? नहीं, ये अंबिका कहाँ चली गई? अगर सही वक्त पर उसे शैंडलियर के नीचे नहीं लाई मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। आई डोंट नो वेयर डू आई फाइंड हर। कहीं ये रवि के साथ तो नहीं थी? क्या इसलिए इतनी परेशान लग रही है? बाल भी कुछ बिखरे बिखरे हैं इसके। कहीं रवि और इसके रवि कहाँ है? हाँ, बेडरूम में। तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब तुम भी उसके साथ थी। अंबिका, तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले मुझे रवि से बात करनी है। हाउ डेयर ही डू दिस टू मी? समझता क्या है अपने आपको? आई वोंट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। रवि, रवि कहाँ चला गया? जाएगा कहाँ? यहीं कहीं होगा। रवि, 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 रवि?